हालेलुया। सो अभी आप लोग ड्रग्स का टेस्टिमनी सुने हैं, हमको लगता है बहुत कम इंसान लोग रिलेट कर सक रहा हो ना। आप लोग में से कोई जो ड्रग्स लिया था फिर ले रहा है अभी, पर ये टेस्टिमनी को आज हम आप लोग को क्यों बताने दिए हैं बोलने से कि आप देखो इतना इम्पॉसिबल है। बिकॉज रिसेंटली हम अपना जगह में अरुणाचल में जैसे एक जिला है दैमुख के वहाँ पे अपना हम रिसर्च करता ड्रग्स का ऊपर में एंड जुबिनल डेलिक्वेंसी का ऊपर में। जुबिनल जस्टिस बोर्ड हमको ऐसे बताइए कि हम पूछे उसको जुबिनल होम्स है, रिहेबिलिटेशन सेंटर है, इसमें से ऐसे कुछ केसेस है क्या जो इंसान लोग सक्सेसफुली यहाँ से निकल के और कभी ड्रग्स नहीं लिए। वो लोग बोल रहे हैं रेयरली होता है, तो हम जो रेयरली होता है वो आप नंबर क्या पकड़ लेगा, तो वो जो बोले जीरो। ऐसा अभी तक एक केस नहीं कि रिहेबिलिटेशन सेंटर से निकला है वो जुबिनल होम से निकला है और उसका लाइफ बहुत अच्छा है और कभी ड्रग्स नहीं लिए, बहुत कम इंसान होता है ऐसा। तो अभी आपको हम ड्रग्स का बारे नहीं बताएगा, हम आपको ये आज देखो हम यहाँ देख रहा था हम खुद से बोल रहे हैं आपको माइक हम थोड़ा अपना टेस्टिमनी बताने मन हो गया। आप हम लोग को यहाँ देख रहे हैं ना, हम लोग जो ब्रदर्स सिस्टर से यहाँ में जितना भी आप देख रहे हैं हमें सब लोग, हम लोग ड्रग्स नहीं किए लेकिन हम सभी लोग का जर्नी अलग था लेकिन सब लोग टूटा हुआ था। अब हमें हमको यहाँ देख रहे हैं 3 साल पहले हम भी ऐसे नहीं था, बोलने बहुत आसान होता है ना। मेरा पुराना फेसबुक अकाउंट है, हम नाम नहीं बताएगा, देखिए उल्टी लगता है अभी, क्या कपड़ा क्या आईलाइनर क्या लिपस्टिक, कपड़ा कहा बदन क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे एक जिंदगी चलता, मेरा पिताजी खुद पास्टर था। आप लोगों को लग रहा होगा ये लोग आगे जीसस जीसस इतना क्यों क्यों बोल रहे हैं, हम बताएगा हम पास्टर का बेटी था, माई लाइफ डिड नॉट चेंज, आई वॉज इन द फ्रंट ऑफ द पीयू, हम हमेशा फ्रंट रो में बैठता था नींद मार के, लाइफ ने बदला है। बचपन में मेरा एक बोन का प्रॉब्लम था तो उसके लिए बाहर से एक मिनिस्टर ऑफ गॉड आया था, उसको हमको प्रे भी कर दे पूरा आगे में, कुछ नहीं हुआ मेरे लाइफ में। आई वॉज स्टिल स्ट्रगलिंग। मेरा मेन मकसद मेरा क्या हो गया था बोलने से, आई ये रिलेशनशिप के चक्कर में हम फंस गया। अभी कोई कोई लोग हंसने मन हो रहा होगा, आप दिल में रख सकते हैं, आप बाहर में नहीं दिखाने से भी हम फंस गया था ये रिलेशनशिप के चक्कर में। बहुत लगता था अरे यार इतना हमको पसंद कर रहे कुछ तो खास बात होता होगा मेरा अंदर ना, लेकिन आपको हम बताएगा बहुत इंसान पीछा कर रहा था हमको भी, अरे हम बहुत सुंदर है क्या क्या हो गया आगे। आज जब आपको बताएगा आप लोग का भी कोई होता होगा बॉयफ्रेंड है फिर भी आपको कोई बहुत इंसान पसंद कर रहा है या फिर गर्लफ्रेंड है फिर भी ऐसे। हमको एक बार मेरा मेरा जो आज शाम का सर्विस मिस मत करो, हाँ आज शाम का सर्विस बहुत भयंकर होने वाला है, ज्यादा इंसान आने वाले और अलग टीम और एक टीम हम लोग का आने वाला है जो एयरपोर्ट में अभी 1-2 घंटा के बाद पहुंच जाएगा। तो मेरा मदर इन क्राइस्ट पास्टर का भी जाऊंगा एक बार ऐसे बोले कि जो मक्खी लोग कहाँ में होता है, मक्खी कहाँ में होते हैं, गोबर में गंडा में, और हम तो सोच रहे हैं हम बहुत सुंदर है, मेरा पीछे आगे पीछे लड़का घूमते रहते हैं, बाद में पता चले हम फूल नहीं है हम गोबर है, गोबर है इसलिए मक्खी आगे पीछे मंडरा रहा है। तो हम क्या बोला चाहते, उसके बाद हम रिलेशनशिप में गए इन क्लास नाइन में हम फर्स्ट रिलेशनशिप में गए, हम पता नहीं दोस्त लोग हमको एनकरेज किया, हम भी बहुत खुशी हम बहुत सुंदर है, ये पूरा 3-4 महीना हमको पूरे स्कूल में लव लेटर्स भेजते हैं, वैलेंटाइन डे आने से चॉकलेट दे क्या क्या रोज दे सोच दे, मेरा दोस्तों चॉकलेट दे देगा खा देगा, हम बदनाम हम फंस के बेड़िया। ऐसे करते 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 हम वहाँ घुस गया बॉयफ्रेंड का चक्कर में, एक चला जाते दूसरा आ जाता है, एक चला जाते दिल टूट रहे बहुत दिल टूट रहे, अभी तो हम इसका बाद रह ही नहीं सकते हैं, मेरी जिंदगी खत्म ही हो रही है, लेकिन फिर नया जिंदगी एक लड़का लेके आ जाता है, ये साइकिल खत्म ही नहीं हो रहा था। फिर खुद को गंदा लगने लग गया, हम कैसे जिंदगी जी रहे, मेरे पिताजी पास्टर हैं, हम शायद ड्रग्स नहीं किया होगा, हम शायद दारू नहीं पिया होगा, लेकिन हम भी कुछ दूध का धुला हुआ नहीं, गंदा लगने स्टार्ट हो गया। क्योंकि मेरा जो दीदी है, मेरा एक दीदी है, वो बांग ले रहा था, वो दहेंद्रक ले रहा था, उसका नाम पूरा बदनाम हो गया था, तो मेरा फैमिली पूरा उसको फोकस हो गया था, इसको कुछ करके ठीक करना है, इसको कहीं भेजना है, लेकिन वो लोग नहीं देख सक रहा था हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो दूध का धुला हुआ नहीं था, हम देखता था कि ड्रग्स करने वाले इंसान को बाहर से देख लेते लेकिन हम बॉयफ्रेंड का बात बॉयफ्रेंड रख रहे हैं, रात भर फोन में बात कर रहे हैं वीडियो कॉल कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं मालूम, हम खुद को गंदा लगने स्टार्ट हो गया। क्योंकि ये लाइफ नहीं था जो हम सोचा था, हम जब बचपन में था ना हमने सोचा था हम कभी लड़का के लिए ऐसे करेगा, हार्ट बात गावलिया लगता था कौन प्लीज लड़का के लिए हम ऐसे नहीं करते, लेकिन जब मेरा दिल टूटे हाथ काटने मन हो गया, पंच मारने मन हो गया, क्या क्या जो चीज नहीं सोच सकते थे कभी खुद को करेगा नहीं सोचा, ऐसा करना स्टार्ट हो गया हम। तो आज अंकल आंटी भी इतना आए और ब्रदर सिस्टर्स भी आप लोग आए, हम ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ ना बाहर का डॉक्टर लोग साइकिक भी कर सकता है, लेकिन आपका जो देखो ड्रग्स नहीं पीने के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर डाल सकते हैं ना, बॉयफ्रेंड नहीं रखने के लिए कौन सा सेंटर डालेगा, कौन सा सेंटर डालेगा, ये लोग बहुत बॉयफ्रेंड रखते हैं, ये लोग एक टीम
रखो, ऐसे कोई सेंटर है क्या? तो मेरा लाइफ में क्या हुआ है, हम ऐसे ही मेरे यहाँ में कुछ कुछ सिस्टर्स थे, ब्रदर्स थे, हम इनको जब ऑनलाइन में देखा ये क्या जीवन जी रहे और हम क्या जीवन जी रहे, हम दोनों का जीवन में क्यों इतना फर्क है, हमको भी एक ऐसा जीवन जीने मन है। हम बोल गए हम जेएनवी हम नवोदय में पढ़ता था, इंसान वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, हम डांस करने के लिए पूरा क्या क्या किया, बहुत सारा थिंग्स आई वॉज डूइंग ना जस्ट टू सीक अटेंशन। हम योगा के लिए गया, स्टेट लेवल तक गया, डांस के लिए गया, नेशनल लेवल तक गया, हम केपॉप डांस करने लग गया, छोटा छोटा जितना केपॉप डांस करते गए, कुर्ती से कपड़ा छोटा छोटा छोटे यहाँ तक पहुँचना स्टार्ट हो गया, क्रॉप टॉप है ना अभी अंदर कपड़ा समझ में नहीं आ रहा, कपड़ा पूरा छोटा होना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे ऐसे होते 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 समझ में नहीं आ रहा था मेरा लाइफ में हमको गंदा लगना स्टार्ट हो गया, तुम क्या जीवन जी रही है इंस्टाग्राम में लाइक्स के लिए, माई लाइफ माई चॉइस माई बॉडी आई डू वॉट एवर आई वॉन्ट बोल रहे, लेकिन दिखा रहे इंस्टाग्राम में किसको, इट इज योर बॉडी, क्यों आप दूसरा गाइडेंसन मांग रहे हैं? आई एम नॉट टेलिंग ओके, ये हम खुद से, हम खुद बहुत छोटा कपड़ा पहनता था, अभी हमें हम नहीं दिखा सकते, हम लोग का चर्च में गर्ल्स मीटिंग होते हैं वहाँ दिखाए हैं हम, और प्रभाव ऐसा भी था बोले हम जो बोले कम मत देखो, पहले हेमा मालिनी से ज़्यादा था, अभी परमेश्वर में आगे ठीक हो गया। तो ऐसे ऐसा होने के बाद में 3 साल पहले हम कैसे परमेश्वर को एनकाउंटर किए यहाँ में हम बताएगा, हम आप जो भी रिलीजन से आएगा आई डोंट केयर, आपको हम ये भी नहीं बोल रहे आप आओ चर्च में पूरा बेच जाओ, हम ये भी नहीं बोल रहे आपको लाइफ बदलना है ना, ये 2 दिन का प्रोग्राम पूरा अटेंड करके देखो, क्योंकि मेरा भी लाइफ बदला है, हम खुद बता रहे हैं, हम पास्टर का बेटी था, हमको कोई यीशु मसीह के बारे में बताने जरूरी नहीं था, बट मेरा लाइफ कभी नहीं बदला अंटिल जब तक हम 18 ईयर्स ऑफ एज नहीं था, एट द पीक ऑफ माई 18 ईयर्स लॉर्ड टच माई लाइफ टुडे आई एम 21 एंड ये 4 साल 3 साल में जो मेरा लाइफ बदला है ना, मेरा दोस्तों बोले जी तुम क्या बदल गया कैसे हो गया, फिर रात भर रोना धोना झगड़ा करेगा फोन में, वीडियो कॉल नहीं करने से नहीं सो सकेगा, 7 जन्म का साथी है बोल के 7 लड़का के साथ कसम खा दिया, लड़का ही बदल रहा है, जन्म जन्म खत्म नहीं हो रहा है, ये चलते जा रहे ऐसा हो रहा था, लेकिन ये क्यों हो रहा था, क्योंकि मेरे अंदर एक खालीपन था जो मेरे पिताजी का प्रेम नहीं भर सके, हमको समझ में नहीं आता ये खालीपन क्या है जो मम्मी से भी नहीं भर सकते, आपका ना मम्मी पापा आपको बहुत और मम्मी पापा लोग भी हमें है, आप लोग अपना बेटा बेटी को बहुत प्रेम करता होगा, लेकिन उसका जो दिल का खालीपन है ना आप नहीं समझ पाएगा, ऐसा होता है, मेरे पेरेंट्स भी कभी हमको कुछ कमी करती नहीं आई, लेकिन मेरा अंदर में जो खालीपन था हम समझ में नहीं आ रहे थे, क्यों हम दुनिया के अटेंशन ढूंढ रहे, क्यों हम लड़का में अपना प्यार को ढूंढ रहे, क्यों अपना पराए में हम अपना प्यार को ढूंढ रहे। 3 साल पहले परमेश्वर ने जीवन को छुआ और पूरा बदल दिया, हम जब 3rd सेमेस्टर में था ना हम सोचा सुसाइड करके डायरेक्ट मर जाएगा, तभी तक हम ये मिनिस्ट्री को भी जान चुका था, लेकिन भी कुछ हुआ है मेरे लाइफ में हम सोचे डायरेक्ट अभी हम मर जाएगा हम नहीं कर सकेगा, लेकिन उस समय में हम डिसीजन लिए, हम ये बोले कि या फिर हम सुसाइड करके मर जाएगा या फिर अगर एक ऑप्शन है नया जीवन जी सकते हैं तो चलो ट्राई करते हैं, बिकॉज ये जो जीवन जी रहे हम नहीं सकेगा। तो आज जो ब्रदर तमंग बोले ना 2 कुरिन्थियंस 5:17 जो कोई भी परमेश्वर में आते हैं उसका पूरा पास्ट को मिटा देते हैं, बोले तभी हम बोल रहा था हमको एक टाइम मशीन दो, हम पीछे जाएगा क्लास 9 में जाएगा, क्लास 9 में जाने के बाद अपना छोटा जीरी को बोलेगा जीरी तुम क्लास में ये स्टेप मत उठाओ, तुम क्लास 9 में अगर वो स्टेप नहीं उठाने से सेकंड ईयर का कॉलेज तक तुम ये चीज़ में नहीं फंसना था। तभी फिर हम याद किए गलती तो सिर्फ हम एक चीज़ नहीं किए, हम पास्ट में जाके एक चीज़ सही करने से भी 99 थिंग्स आर स्टिल देयर, कैसे हम सब चीज़ को सही करेगा। तो परमेश्वर बोले तुम पास जाने का मत सोचो, एक नया कहानी तुम्हारे लिए लिखते हैं, तुम ये लाइफ को जी के देखो। तो उस समय हम ये डिसीजन लिए कि चलो अगर यहाँ में मरना ही है तो सही में ये जीवन कैसे हम जी के देखेगा बोल के, उस समय से माई लाइफ इज टोटली चेंज, हम नहीं बता सकते कैसे हुए, हम बहुत मेरे जो एक दोस्त था उसके साथ पूरा सोलता ही हो गया, उसका लव रतर को रात भर पढ़ के बेचेगा ये सब करता था, लेकिन अभी जो जीवन जी रहे ना ये टोटली डिफरेंट है। आप किसी हम लोग को यूथ को देखा होगा रास्ता में आप लोग को पेम्पलेट दे रहा था ना, आप सोच के देखो ना ये क्या फ्रीडम है उसका अंदर में कि रास्ते में भी शर्म नहीं कर रहे, उसका दिल में क्या चीज़ जल रहा है जो रास्ता में भी, हम लोग भी तो जवान है देख के बुरी लग रहा है क्या ना, जवान है ना आपका ही तो उम्र का है, क्या चीज है मेरे अंदर में जब शर्म नहीं लग रही चीज करने के लिए। आप लोग सेलिना गोमेज को जानते हैं, सेलिना गोमेज को जानते हैं आप लोग, सेलिना गोमेज को एक बीमारी था ना ल्यूपस, उसका क्या खराब हुआ था एनीबॉडी, सेलिना टोर किडनी खराब हुआ था, तो उसका दोस्त उसको किडनी दिया, वो जब भी इंटरव्यू में जाता है उसको अपना दोस्त को थैंक यू बोलता है उसको किडनी दिया, उसको किडनी नहीं दी वो जी नहीं पाना था, हम लोगों को तो किडनी नहीं पूरा नया जीवन मिल गया कैसे चुप रहेगा। आप कोई इंसान आपको किडनी देता है लीवर देता है आप उसको थैंक यू बोलते हैं, किडनी लीवर ने पूरा बदन पूरा लाइफ अगर नया कर दे कैसे उसका बारे हम चुप रह सकते हैं। आज कोई भी है वेन फॉर मी हम बोले ना हम थर्ड सेमेस्टर में सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर में हम सोचा हम लाइफ एंड कर देगा,
लेकिन हम डिसीजन लिए. तो इस जब हम लास्ट ईयर का लास्ट टू ईयर्स अगो जब फिर हम बैचलर्स का लास्ट पेपर दे रहा था, आई रिमेंबर दिस मैन, बिकॉज ये जो हमको यीशु का बारे एनकाउंटर की बताया है ना, हमको यीशु का बारे मालूम नहीं था. तो अभी हम पास्टर को मैसेज किया क्योंकि ही इज़ वेरी बिजी. हम वॉइस करके कितने रोए हैं, पास्टर अगर वन एंड हाफ ईयर अगो आपका मैसेज नहीं सुनने से हम मर जाना था होगा, क्योंकि माई फादर वॉज पास्टर. हम खुद प्रीचिंग किया हॉस्टल में चार साल, नहीं बदला है हम. तो आई हम उसको थैंक किया. एंड यू नो जब वेन द रिजल्ट केम ऑल अरुणाचल प्रदेश में, मेरा डिपार्टमेंट में आई गो द थर्ड रैंक इन ऑल अरुणाचल प्रदेश. इन माई कॉलेज आई गो द फर्स्ट रैंक. वेन आई गो द थर्ड रैंक आई स्टार्टेड क्राइंग. थर्ड सेमेस्टर में आई वॉज अबाउट टू सुसाइड, बट हम जब गिव अप नहीं किया, अरुणाचल में आई गो द थर्ड रैंक. व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी से इज दैट की समटाइम्स द लाइफ फील्स लाइक इट्स एंडिंग, बट लेट इट एंड फॉर अ गुड रीजन, फॉर अ न्यू बिगिनिंग. सो अभी ज़्यादा लंबा नहीं करेगा, बट आज रात का सर्विस डू नॉट मिस. आवर मैन ऑफ गॉड इज कमिंग, उसके साथ में टू मोर ब्रदर्स आर कमिंग. हम बता रहे हैं ड्रग्स का एडिक्शन, ये सब एडिक्शन, ये तो बस आप लोग ऊपर से छू रहे हैं. आप लोग का लाइफ बदलना है, क्योंकि आप लोग को पता है सम पीपल जो सुसाइडल थॉट होते हैं. हम लोग भी जवाने में हाथ साथ काटने के लिए कभी कभी नहाता है ना, स्किन जब पतला हो जाता है पूरा हाथ काटने वाले निशान दिख रहे थे, बहुत गावले लगते हैं. क्या जीवन जी रहा था, खुद को इतना आईना देखने से रोने मन होता था. जो भी कपड़ा पहने खुद को सुंदर नहीं लगेगा, कोई ना कोई हमेशा बोलते रहेगा. लेकिन अभी जो हम जीवन जी रहे हैं, इंसान जो बोल रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई नो मेरा परमेश्वर क्या बोल रहे हैं हमको. तो आज यही जीवन के लिए आज हम यहाँ जितना भी अंकल आंटी आप लोग को हम बुलाता है, आपका कोई भी तकलीफ है, बीमार वाले को भी बुलाओ. हम भी बीमार में था, हाँ. हम तीन साल से मेरा बोन का एक प्रॉब्लम था, डॉक्टर्स के पास कुछ क्योर नहीं है. ठंडा जगह में नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि ठंडा जगह में जाने से मेरा पाँव का हड्डी दर्द होना स्टार्ट हो गया. एक किलोमीटर भी, वन किलोमीटर भी आई कैन नॉट वॉक. और मेरा एक बीमारी कब से स्टार्ट हुआ, व्हेन आई वाज थ्री इयर्स ऑफ ओल्ड ओनली. मेरे पिताजी हमको बताते हैं कि हम जब तीन साल का था, हम अपना पाँव को दरवाजा में मारते रहता था, रोते रहता था, क्योंकि तीन साल का बच्चा है नहीं बता सक रहा है, मेरा पूरा हड्डी पेन करता था. तो डॉक्टर हमको बोले आपका बेटी को इतना वॉक करने मत दो, ये करने मत दो, थोड़ा नॉर्मल लाइफ जीने से तकलीफ होगा क्योंकि इसका हड्डी ऐसा ही है, देखिए ना दंडसन कैल्शियम कमी है ना क्या है ऐसे करके. हम क्लास सेवन में भी हमको जब सिक्किम भेज रहा था पूरा इतना जरा टेबलेट लेके गए, हम बोले डॉक्टर को प्लीज हमको बहुत सिक्किम जाने मने, लेकिन ठंडा जगह में क्या होता है मेरे फिर हड्डी का तकलीफ होता है, यहाँ का विंटर नहीं सह सकता है, स्नो को किससे सहेगा, ऐसे हो गया. बताए वेन देर उसमें भी हमको बहुत तकलीफ है, लेकिन इट्स बिन थ्री ईयर्स मेरा बोन प्रॉब्लम डायरेक्ट खत्म हो गया. और कभी हम बोन प्रॉब्लम के लिए प्रे भी नहीं किया था, तभी हम समझे कि ये जीवन में ना सिर्फ आपको फिजिकली छुटकारा नहीं, स्पिरिचुअली मेंटली हर एरिया में आपको छुटकारा मिल जाता है. इवन आप वो चीज़ को ढूंढ भी नहीं रहे उनसे, हम भी बहुत सारी चीज़ नहीं ढूंढ रहा था, लेकिन हमको ये जीवन में मिलते रहिए मिलते रहिए मिलते रहिए. इसी के साथ हम लोग सब लोग खड़ा होगा अभी. आप लोग इतना देर तक प्रोग्राम अटेंड किए,